अर्पित करता हूँ तथा उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को नमन करता हूँ। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित देश पर आहुत होने वाले हजारों बलिदानियों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। देश के सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित अनेक राष्ट्रभक्तों की भूमिका को कभी बुलाया नहीं जा सकता। दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति भारत भूमि को आजाद हुए आज 72 साल हो चुके हैं। इस कालखंड में आपने अनेक प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परंतु देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। श्री मोदी जी ने दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देश के मान सम्मान और उत्थान के साथ कभी समझौता नहीं किया। देश के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए न केवल बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्यों से लगती विदेशी सरहदों का मामला सुलझा दिया है, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के त्याग, समर्पण एवं विकास के एजेंडे को भारतीय जनमानस ने पूरी तरह स्वीकार किया है। इसके फलस्वरूप इस बार उन्हें वर्ष 2014 से भी विशाल जन समर्थन प्राप्त हुआ है। श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के साथ मंत्र पर चलते हुए सबका विश्वास अर्जित करने में सफलता हासिल की है। उनकी दूरगामी सोच व प्रेरणादायी विचारों से प्रेरित होकर भारत की जनता स्वयं राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आई है। भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम अवसर रहा है जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई है। 1949 में दी गई धारा 370 की व्यवस्था के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसे समाप्त करने का साहसिक निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा जम्मू कश्मीर में लगाई गई इस धारा 370 को 70 वर्षों के बाद एक ही झटके में समाप्त कर वहां के लोगों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इस फैसले में श्री मोदी के कश्मीर के कन्याकुमारी तक के एक भारत श्रेष्ठ भारत होने की संकल्पना को बल मिला है, जिससे देश नव भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समावेशी विकास के लिए हमारी सरकार ने 5P फार्मूले पर काम किया है। इसमें पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एवं प्लेनेट पर आधारित विकास की प्राथमिकता शामिल है। भारत के मिशन चंद्रयान 2 और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में मारक क्षमता हासिल करने से देश को विश्व की महाशक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी उद्योग का गठन किया है। आजादी के बाद पहली बार लिए गए इस बड़े फैसले में ओबीसी आयोग को भी SC ST आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। हमारी सरकार ने युवाओं की क्षमताओं के सार्थक उपयोग से लोगों के सहज जीवन यापन, ईज ऑफ लिविंग हेतु सरकारी योजनाओं का सरलीकरण तथा डिजिटलीकरण करके लोगों को एक समान अवसर दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी योग्य लोगों को समान उपचार की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण, यातायात की सुगमता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया है। हमारी सरकार द्वारा राज्य को गरीब मुक्त बनाने के लिए युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार युक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश को रोग मुक्त करने के लिए, जनता को उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा युक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके तहत
वर्ष 2025 तक बच्चों को कुपोषण मुक्त करने तथा वर्ष 2000 के प्रदेश के किसी भी नागरिक को कुकर नहीं सोना दिया जाएगा। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति ने हमारी सरकार को पहली बार आउटलुक पोषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। सरकार ने सैनिकों के सम्मान के लिए वन रैंक वन पेंशन तथा सुचारू बाजार व्यवस्था के लिए एक देश एक टैक्स एक बाजार की व्यवस्था लागू की है। देश में GST लागू करने के लिए वस्तुओं पर पहले से लगे 14 प्रकार के टैक्सों को हटाया गया है। केंद्र सरकार की नई योजनाओं के तहत व्यापारी वर्ग में छोटे दुकानदारों खुदरा विक्रेताओं एवं स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन देने की सुविधा दी है। किसानों की खुशहाली के लिए उनकी फसलों के समर्थन मूल्य में 1.5 गुना तक वृद्धि की है, जिसको 2022 तक बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य है। किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के